अभी हमको लगता है कि भाई वेट जो है वो कैलकुलेट करने का है ऑफलाइन। मुझे पता चला है कि भी मेरा 50 किलो का वेट की जगह पे 70 किलो का वेट था, ये इस टैंक के अंदर 70 किलो वेट था। तो वो करने के लिए प्रोसेस में ऐसा है कि कीपैड में से आप वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करिए तो कॉन्फ़िगरेशन पासवर्ड लिख के आ जाएगा, उसमें आप 200 नंबर डाल दीजिए, 200 एंटर करिए। हाँ तो आपका ये एंटर वेट आ गया। अच्छा, आपके पास अभी फ़िलहाल आपको पता चला कि भाई मेरी टैंक्स के अंदर जो माल पड़ा है वो 50 की जगह पे 70 किलो है और यहाँ पे सिस्टम 50 किलो दिखा रही है, तो मुझे उसको 70 किलो दिखाने का है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो मुझे पता है 70 किलो, तो 70 डिवाइड बाई 50, ठीक है, 70 डिवाइड बाई 50, जो यहाँ पे ईटेक का जो मशीन दिखा रहा है 50 kg दिखा रहा है, इनटू ये एंटर वेट जो लास्ट में डाला हुआ है कितना, अभी 50 kg है, तो 50 डालोगे तो आपका इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आती है वो इसके अंदर डाल देने की। समझो कि भाई 70 डिवाइड बाई 50 इंटू 50, तो उसका जवाब 70 आ जाएगा, तो 70 डाल दीजिए। हाँ एंटर कर दीजिए। अब ये सिस्टम में 50 किलो भी वेट ऊपर डालूंगा ना तो ऑटोमेटिक 70 ही बताएगा। भाई वेट मुक हो जाओ, बिल्कुल आप देख ले, ये 70 kg। तो ये हुआ आपका मतलब ऑफलाइन कैलिब्रेशन की सिस्टम हो गई है। ये दोबारा आपको कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फैक्टर को चेंज करने से ये आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको जितना वेट शो कराने का है वो कर सकते हैं।